सूरज भान सिंह लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, यानी बिहार में सूरज भान का जहां भी जाते हैं इनका सिक्का बुलंद रहता है। अब नवादा में आए हैं अपने भाई को चुनाव जितवाने के लिए। नवादा की अगर बात करें तो अजय भारत लगभग 100 गांव का दौरा किया है और लगता है कि मोदी जी की लहर इस बार नवादा में दिखने को मिल रही है। चंदन सिंह उम्मीदवार है यहाँ और जनता के बीच आशीर्वाद मांग रहे हैं और मोदी जी की भी लहर है। ऐसे में क्या मतलब इनको लगता है नवादा का मूड इस बार? अरे नवादा के क्यों पूछते हैं, बिहार का क्यों पूछते हैं, भारत का क्यों पूछते हैं? संपूर्ण भारत के बच्चे यहाँ तक नहीं, भारत वासियों जहाँ रहते हैं और पूरी दुनिया का जो बुद्धिजीवी लोग हैं वे चाहते हैं कि भारत का चौकीदार नरेंद्र मोदी जी। हाँ देखिए, कल मैंने एक गांव गया था, वहाँ लोग तख्ती लेकर के चौकीदार लिख करके सांसद का स्वागत किया था वीणा देवी का, और इनका भी कहना है। तो क्या चौकीदार की चौकीदारी से इस बार चुनाव है? कोई भी घर का गार्जियन होता है वो चौकीदारी होता है। हमारे देश के चौकीदार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और पूरी दुनिया कूटनीति, राजनीति, विदेश नीति, देश की विकास, सबका साथ सबका विकास, 55 साल बनाम 55 महीना किसी के पास जवाब है? बिहार में देखिए 90 के दशक और 2004 क्या था और 2005 से 2019 क्या बिहार की जगमगाता बिहार आदरणीय नीतीश जी जगमगा रहे हैं। सूरज भान सिंह की जिम्मेवारी कितनी बिहार में, सूरज भान सिंह की जिम्मेवारी कितनी है सर? मेरी जवाबदेही नहीं, भारत के बच्चा का जवाबदेही है कि इस बार मोदी सरकार इस बार 400 पार। बिहार में तो नीतीश जी लिख दिए हैं पहले ही 40 में 40। एक बात इन्होंने कही है कि जिम्मेवारी इनको बिहार की नहीं देश के, और देश के मोदी के नाम पर वोट करेंगे। सर विपक्षी लोगों के बारे में चूंकि पब्लिक दर्शक है जानना चाहेंगे, विपक्षी तो बड़ा ये है उसको क्या किस रूप में? मेरा विपक्षी पर कोई है ही नहीं, मेरा नो कॉमेंट। सब आजाद है चुनाव लड़ने के लिए, जिनको टिकट मिलेगा जो दल से निर्दलीय आप भी लड़ सकते हैं, दल को देगा टिकट आप भी लड़ते हैं, उस पर क्यों हम बोले? हम के जो है वो चले गए जाके उपेंद्र कुशवाहा में। ये सूरज भान सिंह से इन्होंने कहा, हिंदी फिल्मों का एक गाना है ना, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। अब देखिए विपक्ष कहाँ कहाँ गिरता है, लेकिन 11 तारीख को 4 लोकसभा में यहाँ मतदान होगा और उसी दिन लोकतंत्र का महापर्व जैसे चुनाव है उसी तरह बिहार का लोक पर्व छठ है। छठ का पहला अर्घ जिस तरह 11 तारीख को परवैतिन जाएगी अर्घ देने के लिए, तो मतदाताओं से अपील करता है जय भारत कि आप भी सबसे पहले लाइन में लगिए और मत का अर्घ दीजिए।